कि बहुत सारे MLA जिहड़े कोई 3 बार जितया होया हार गया, कोई 4 बार जितया होया टिकट नहीं मिली, 5 बार जितया होया 6 बार जितया होया नहीं आए विधानसभा च, उन्हां नूं लखां रुपये पेंशन मिलती है। एक बारी MLA बन गया उन्हूं पेंशन लगी, ठीक गल है। दूजी बनी बनिया तो 7,500 रुपया इजाफा हो गया। तीजी बनी बनिया तो 7,500 रुपया इजाफा हो गया, ये भी गल ठीक है। चौथी बनी बनिया 7,500 होर इजाफा हो गया पेंशन। यदा मतलब यह नहीं है कि उन्होंने 4 बारी चुने गए तो 4 पेंशन लग गई, यह नहीं गल हैगी। पेंशन एको ही है, सिर्फ हर टन्योर से 7,500 रुपया बढ़ गया। MLA भावें 2 बार जितते, 5 बार जितते, 7 बार जितते, पर उन्होंने पेंशन सिर्फ 1 टर्म की मिलेगी, सिर्फ 1 टर्म की पेंशन उन्होंने मिलेगी। अगर सरकार 300 MLA का भी बेचारे का खर्चा नहीं चुक सकती तो कोई गल नहीं। पंजाब सरकार का खर्चा किमें चुकना, पंजाब के 3 करोड़ लोगों का खर्चा किमें चुकना, उन्होंने 300 यूनिट बिजली किमें मुफ्त देनी, उन्होंने पानी बिजली किमें मुफ्त देनी उन्होंने। साढ़े राजनीतिक लोग जेडे MLA वो हाथ बन के लोगों तो वोटा मंगते हैं कि सेवा का मौका दो जी। कई तो राज नहीं सेवा कह के भी जड़े ने वोटा मंगते हैं। तो हैरानी होगी थानू कि बहुत सारे MLA जड़े कोई 3 बार जितया होया हार गया, कोई 4 बार जितया होया टिकट नहीं मिली, 5 बार जितया होया 6 बार जितया होया नहीं आए विधानसभा च, उन्होंने लखां रुपये पेंशन मिलती है पर मंथ महीने की। किसी 3.5 लाख, किसी 4.5 लाख भी है, किसी 5.25 लाख भी है पेंशन। तो खजाने ते करोड़ों रुपया का बोझ पैंदा है। कई MPs भी यहो जे ने जिहड़े MP की भी पेंशन लै रहे हैं, तो इत्थे पहले MLA रहे सी उहदी पेंशन भी लै रहे हैं। सो अज एक बहुत वड्डा फैसला पंजाब सरकार वल्लों मैं करन जा रहा कि MLA भावें 2 बार जितते, 5 बार जितते, 7 बार जितते, पर उन्हें पेंशन सिर्फ 1 टर्म की मिलेगी, सिर्फ 1 टर्म की पेंशन उन्होंने मिलेगी, जित भावें वह जिनी बारी मर्जी जाए। तो नाल करोड़ों रुपया जिहड़ा इहदे पेंशन घटाउण नाल बचेगा उन्हें लोगों की भलाई पर खर्च किया जाएगा, क्योंकि सेवा करन दी इन्नी पेंशन किसी भी पक्षों जायज़ नहीं हैगी। तो इस तरह उन्हां दी फैमिली पेंशनज ने वह भी बहुत ज़्यादा ने, उन्हां दे विच भी कटौती की जा रही है। तो अफसरां नूं मैं लोड़ीं दे हुकम जिहड़े ने निर्देश जिहड़े ने दित्ते ने मैं एक बार फिर दस देना चाहुंदा। पंजाब दे विच जिहड़े MLA ने ex-MLA भावें वह 2 बार जितते ने, 5 बार जितते ने, 10 बार जितते ने, उन्हां नूं सिर्फ 1 टर्म की पेंशन ही मिलेगी। पिछले कई सालों तो प्रेस मीडिया लोग ये गल्लां करदे चले आ रहे थे कि बई MLA दियां पेंशनां बहुत ने अपने आप बधा लिया, अपने आप कर लिया, जो कुछ करना सी कर लिया। एक MLA जी 4-4 पेंशनां लेंदा जी, 1 बारी चुने गए, 2 बारी चुने गए, 4 बारी चुने गए, पेंशनां 4-4 लै रहे हैं जी। इस प्रकार दियां भ्रांतियां लोगों के मन च सीगियां। थोड़ी गल क्लीयर कर लां तो मैनू माफ करना तुसीं। MLA is a part and parcel of the government. Government ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬਣੀ ਬਣਿਆ ਤੇ 7,500 ਰੁਪਇਆ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਬਣੀ ਬਣਿਆ ਤੇ 7,500 ਰੁਪਇਆ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਬਣੀ ਬਣਿਆ 7,500 ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਏ ਤੇ 4 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਰ ਟਨਿਓਰ 'ਚ 7,500 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 40% ਆਫ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਫ ਐਕਸ MLA ਇਜ਼ ਡਿਡਕਟਿਡ ਬਾਈ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਹਿਣਾ 40% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਸ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ। ਮਾਨੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ 12 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ 40% ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ MLA ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਐਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਤੇ ਵੀ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਦੂੜ ਕਰਨੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
दफ्तर जाना भजदड़ उस तरह बनी ने, कोई ओदिया गलां बातों की कोई थोड़ा गिरावट नहीं आई। सिर्फ वो एम एल ए चुनाव हार गया तो एक्स एम एल ए बन गया, उन्होंने पेंशन लग गई, लेकिन ओदिया खर्चे उस तरह जिस तरह एम एल ए देने उस तरह बरकरार रहने। और इस करके इनू कंपनसेट करने वास्ते पंजाब विधानसभा ने बिल पास करता कि एम एल ए दी पेंशन लगा दी जाएगी। एक वेला सी जदों असी 1980-82 च चुन के गए सीगे, सानू हार्डली 500 रुपया पेंशन मिलती सी, कहते पहले 250 रुपया मिलती सी। सरकार ने फैसला एक समूहिक तौर पर किया, चीफ मिनिस्टर बिच हुंदा, सारे एम एल ए ने इकट्ठा समूहिक फैसला लेना हुंदा, कोई गल नहीं पेंशन बंद कर देनी है, कटा देनी है, नहीं लानी है, एक बारी लानी, दो बारी लानी, ये फैसला सरकार दा है। आप सरकार नूं पंजाब च एक मासिव मैंडेट लोगों का मिले और उन्होंने लोग हित च फैसले लेने ले, बड़ी अच्छी गल है, असीं सिर झुका के स्वीकार करने, कोई गल नहीं। इस गल च कोई भी मलाल, कोई भी दुख किसी किस्म का नहीं है। सरकार जो फैसला करेगी असी हर्ष स्वीकार करेंगे। सारे एम एल ए है कि नहीं, सारे एक्स एम एल ए 300, अगर सरकार 300 एम एल ए का भी बेचारे का खर्चा नहीं चुक सकती तो कोई गल नहीं। पंजाब सरकार का खर्चा किमें चुकना, पंजाब के 3 करोड़ लोगों का खर्चा किमें चुकना, उन्होंने 300 यूनिट बिजली किमें मुफ्त देनी है, उन्होंने पानी बिजली किमें मुफ्त देनी है, उन्होंने बड़े बड़े 1,3,00,000 करोड़ रुपए का घाटा है पंजाब के बजट से, पंजाब सरकार ने पूरा किमें करना है। शायद एक्स एम एल ए पेंशन बंद करके ही पूरा किया जा सकता है। स्वागत है भगवंत मान, बड़े योग्य सुयोग्य चीफ मिनिस्टर इस पंजाब के ने, मैं उन्होंने मुबारकबाद दिना।